हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कस्टमर अप्रोचेस, मींस इफ यू आर ए प्रोडक्ट डिजाइनर, हाउ कस्टमर अप्रोच यू, एंड इफ यू आर इनटू ए कंसल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाउ कस्टमर विल अप्रोच यू विद न्यू डेवलपमेंट वर्क। दिस इज ए मैन्यूअर स्प्रेडर ऑन ट्रक, मीन्स दिस इज बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ मोलासिस एंड इट इज बीन स्प्रेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव। सो कस्टमर कम्स विथ सच वीडियो, दिस इज द एप्लीकेशन ही सोर्सेस। वॉट इज द एप्लीकेशन? दिस इज एप्लीकेशन टू स्प्रेड सच डेंसिटी ड्राई और वेट फर्टिलाइजर ऑन अर्थ, राइट? नाउ ही सोज दैट ओके, दिस इज द बैक मैकेनिज्म, वॉट इज द इनसाइड मैकेनिज्म? देर इज ए कन्वेयर, सी देर इज ए कन्वेयर। नाउ कस्टमर सेज दैट ही इज नॉट हैप्पी विथ दिस कन्वेयर एंड ही इज नॉट हैप्पी विथ द बैक स्प्रेडर ऑल्सो। सो वॉट ही एंड ऑल्सो दिस इज ए ट्रैक्टर माउंटेड चेसिस। ट्रैक्टर मीन्स ए चेसिस इज कनेक्टेड टू ट्रैक्टर, सो दी टनेज इज हार्डली 7 टन, 8 टन मैक्सिमम दे कैन गो। ही वॉन्ट्स ए 12 टन एंटायर थिंग टू बी माउंटेड, चेसिस माउंटेड, मीन्स द एंटायर स्ट्रक्चर बी माउंटेड ऑन ए 12 टन और हायर कैपेसिटी ट्रक्स। सो वॉट ही सेज दैट आई विल गिव यू दिस काइंड ऑफ चेसिस एंड यू गिव मी वॉट इज माई एक्सपेक्टेशन। ही सेज दैट 12 टन ऑफ बायो फर्टिलाइजर ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड विद इन 15 मिनट्स, ओके, एंड ही वॉन्ट्स स्क्रू कन्वेयर टू पुश दी फर्टिलाइजर। नाउ इफ इट इज ए ट्रक चेसिस, हाउ टू एक्सट्रैक्ट पावर? इट इज ए नाउ आई वॉन्ट टू रन दिस स्क्रू कन्वेयर, इट इज रोटेशनल मोशन, सो आइदर बाई इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक मोटर आई हैव टू रन इट, राइट? सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट पावर? सी आई हैव टू एक्सट्रैक्ट पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स ऑफ द ट्रक। आई नीड टू कपल वन स्मॉल गियर बॉक्स एक्सटर्नल विद दिस मेन गियर बॉक्स एंड दिस एक्सटर्नल गियर बॉक्स विल रन माई हाइड्रोलिक पंप एंड दिस हाइड्रोलिक पंप विल सप्लाई सफिशियंट फ्यूल, नॉट फ्यूल, हाइड्रोलिक ऑयल टू रन माई हाइड्रोलिक मोटर, टू रन माई स्क्रू कन्वेयर, राइट? नाउ सो हाउ नाउ यू टू बैलेंस द एंटायर सिस्टम। बैलेंस मीन्स से यू फर्स्ट यू टू डिजाइन द स्क्रू कन्वेयर टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आइदर विद वन स्क्रू कन्वेयर इट विल हैपन, हिज कैपेसिटी कैन बी मेट, और यू नीड टू हैव टू डिपेंडिंग ऑन दी बेस विड्थ ऑफ दी स्ट्रक्चर बॉडी बॉडी ऑन द चेसिस, राइट? सो एटलीस्ट टू हाइड्रोलिक मोटर कपल टू टू हाइड्रोलिक कन्वेयर, दिस पर्टिकुलर स्क्रू कन्वेयर इट विल बी रिक्वायर्ड, राइट? सो यू हैव टू डू एंटायर कैलकुलेशन दैट हाउ मच पावर विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच पावर, हाउ मच थ्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू रोटेट एट एक्स आरपीएम दिस पर्टिकुलर स्क्रू कन्वेयर एंड एट वॉट आरपीएम इट विल रोटेट, पावर एदर इन किलोवाट और एचपी दैट विल डिराइव द वॉल्यूम ऑफ ऑयल गोइंग टू द हाइड्रोलिक पंप्स, हाइड्रोलिक पंप टू हाइड्रोलिक मोटर, राइट? सो दिस इज वन काइंड ऑफ से चैलेंज एंड यू हैव टू गिव ऑल द कंट्रोल,
lever type of controls in the operator cabin. So how much knowledge this, what engineering knowledge it will require? It requires structure, entire structure you have to build, right? It requires gearbox knowledge, it requires hydraulics knowledge. Then you will be able to design or modify the present design or improve on the present design. Now, you tell me where the FEA comes here, right? This basic calculation, once you know this basic calculation, right, there is no FEA. This is all formula. All this basic calculation and selection of components is all by formula and what is standard available, how I'll select the components readily available in the market. Right, it is all formula calculation. So product designer role is much beyond all other, means you say FEA, they are doing lot of minute studies, right? Now this kind of, if you are as an engineer, if you are interested in this kind of development works, you want to be a very creative engineer because it requires lot of knowledge, engineering knowledge, formula knowledge. Much beyond FEA, much beyond FEA. Okay, then do contact us. We train engineers on application of formulas in industrial product design. We will make you a very creative engineer and we'll show you such examples, such calculations, that how you can do this kind of development. It is not that much difficult. But you required certain mentorship at initial stage. You require knowledge, lot of knowledge on hydraulics. Gearbox fundamentals has to be very sharp, right? We are working on fundamentals. Once your fundamentals are clear, rest of the thing becomes very much easy. So do contact us. Thank you very much.